नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार, आप देख रहे हैं टेक्निकल रास्ता। दोस्तों, आपका भी अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप का हार्ड डिस्क खराब हो चुका है और आपने रिप्लेसमेंट भी कर चुका है, तो आप पुराना हार्ड डिस्क को बिल्कुल मत फेंकिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपका पुराना हार्ड डिस्क कम्प्लीट खराब नहीं हुआ है, थोड़ा सा रिपेयरिंग करने पे वो फिर से चल जाएगा। तो आप मेरा ये वीडियो देखते रहिए, मैं उसको कैसे रिपेयर करता हूँ। उसके लिए आपको पुराना हार्ड डिस्क चाहिए, ये मेरा पुराना हार्ड डिस्क है, और उसके लिए आपको एक हार्ड डिस्क डॉक चाहिए और आपको एक दूसरा लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए। चलिए, ये पुराना हार्ड डिस्क में मैंने लिनक्स इंस्टॉल किया था, रेड हैट 5.9, लेकिन ये अभी रिपेयर करने पे भी नहीं चल रहा है। तो हार्ड डिस्क में जनरली क्या खराब होता है? हार्ड डिस्क में जनरली ये सर्किट बोर्ड खराब होता है। अगर ये सर्किट बोर्ड खराब होता है तो ये हार्ड डिस्क बायोस सेटअप में शो नहीं करेगा। अगर इसका मैकेनिकल पार्ट अंदर में खराब होता है तो इसमें मैकेनिकल पार्ट में क्या होता है, एक डिस्क होता है और एक स्पिंडल होता है। स्पिंडल में आपका रीड और राइट हेड होता है। तो अब स्पिंडल या डिस्क खराब है कि नहीं आप इसको हिलाने से पता चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा साउंड निकलेगा अगर आप हिलाते हैं। तो इसमें कोई साउंड नहीं निकला है, मुझे लगता है ये हार्ड डिस्क बिल्कुल अच्छा है। तो चलिए मैं इसको रिपेयरिंग करके दिखाता हूँ। अभी इस डॉक में मैं पावर इंसर्ट कर दूंगा, पावर मैंने इंसर्ट कर दिया है। अभी इसका जो केबल है, मैं इसका डाटा केबल लगा देता हूँ, जबकि ये डाटा केबल 3.0 है। इस लैपटॉप में आपका एक पोर्ट है जो है आपका 3.0 है, तो इसमें मैं इंसर्ट कर देता हूँ, मैंने इंसर्ट कर दिया। अभी देखिए ये डॉक बिल्कुल रेडी है। अभी इस डॉक में मैं ये पुराना हार्ड डिस्क मैं इसमें इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट कर दिया। अभी इसमें जो पावर स्विच है इसको ऑन कर देता हूँ। अभी ऑन करने पे यहाँ पे देखिए एक साउंड हुआ है। मैं इसका माई कंप्यूटर को खोल के देखता हूँ, उसमें ड्राइव शो कर रहा है कि नहीं। इसमें मेरा दो पहले से ड्राइव था, वो दोनों ड्राइव शो कर रहा है, लेकिन ये हार्ड डिस्क शो नहीं कर रहा है। तो अभी क्या करना है आपको, अभी माई कंप्यूटर में आप राइट क्लिक कीजिए, उसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है आपका मैनेज। तो मैनेज में चला जाइए, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटर के साथ खुलता है तो इसलिए ये यस करना पड़ेगा। तो मैनेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट शो करेगा। ये देखिए यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट शो कर रहा है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते ही इसमें कितना डिस्क है वो शो कर देगा। इसमें देखिए तीन डिस्क दिखा रहा है। डिस्क जीरो जो है वो मेरा SSD है, डिस्क वन जो है वो मेरा दूसरा SSD है, और डिस्क टू जो है वो मेरा ये पुराना हार्ड डिस्क है। जबकि मैं हार्ड डिस्क माई कंप्यूटर में शो नहीं कर रहा है, लेकिन मैनेज में डिस्क मैनेजमेंट में ये शो कर रहा है। तो इसको मैं डिलीट करना है पार्टीशन को, क्योंकि ये लिनक्स पार्टीशन है, इसीलिए ये डिस्क पार्टीशन में शो कर रहा है लेकिन माई कंप्यूटर का ड्राइव में शो नहीं कर रहा है। चलिए इसको राइट क्लिक करते हैं, इस ऑप्शन को राइट क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट वॉल्यूम, तो डिलीट वॉल्यूम कर देते हैं, ओके कर देते हैं। डिलीट वॉल्यूम करने पे ये देखिए डिलीट हो चुका है। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है अनएलोकेटेड, दूसरा जो पार्टीशन है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट वॉल्यूम कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो दोनों पार्टीशन डिलीट कर दिया है। तो अभी इसका जो साइज है अभी शो कर रहा है 465.76 GB, मतलब 500 GB है। थोड़ा सा जो स्पेस है वो मेमोरी या किसी और में चला गया है, क्योंकि 500 GB पूरा 500 GB नहीं शो करता है। तो अभी मुझे ये हार्ड डिस्क जो पुराना हार्ड डिस्क है वो मुझे मिल गया है। अभी इसको फिर से राइट क्लिक करके आपको करना है न्यू सिंपल वॉल्यूम, मैंने कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए, तो वॉल्यूम का जो साइज है वो शो कर रहा है हार्ड डिस्क का। अभी नेक्स्ट कीजिए फिर से, तो ये अभी एक ड्राइव का जो लेटर असाइनमेंट होगा वो ले लिया है, ई बोल के लिया है। आप चाहे तो ई के जगह में दूसरा भी चेंज कर सकते हैं, तो मैंने ई छोड़ दिया जैसा है ऐसे ही। तो नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए परफॉर्म ए क्विक फॉर्मेट, तो क्विक फॉर्मेट मैं यहाँ पे क्लिक किया हुआ है ऑलरेडी, मैं कुछ भी चेंजेस नहीं किया हूँ। ये क्विक फॉर्मेट नहीं रहने से आपको टाक फॉर्मेट होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट कर देता हूँ और इसके बाद फिनिश कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अभी फॉर्मेट हो रहा है। तो हार्ड डिस्क में देखिए यहाँ पे ये हार्ड डिस्क फॉर्मेट होने का कोशिश कर रहा है। ये देखिए हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो चुका है। अभी ये जो आपका LED है ये ब्लिंक होना बंद हो चुका है, ये स्टेबल हो चुका है।
अभी ये डिस्क मैनेजमेंट में देखिए, ये जो डिस्क शो कर रहा है यहाँ पे लिखा हुआ हेल्दी और प्राइमरी पार्टीशन शो कर रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, हेल्दी और प्राइमरी पार्टीशन। इसके बाद आपको और एक लास्ट स्टेप जो है वो करना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो पुराना हार्ड डिस्क है, जो खराब हार्ड डिस्क है, वो बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। चलिए मैं इस सॉफ्टवेयर को ऑफ कर देता हूँ। अभी आपको एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा इंटरनेट में, ये आपका वेस्टर्न डिजिटल का ही सॉफ्टवेयर है। ये जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम है आपका डाटा लाइफ गार्ड, जो आपको डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। तो इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने में यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्टर्न डिजिटल डाटा लाइफ गार्ड डायग्नोस्टिक, मतलब ये हार्ड डिस्क को डायग्नोस्टिक करेगा कि हार्ड डिस्क में क्या सेक्टर खराब है या नहीं है। चलिए इसको मैं एग्रीमेंट में क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने पे ये ओपन हो रहा है, अभी ये ओपन हो चुका है। अभी मेरा लैपटॉप में 3 ड्राइव शो कर रहा है। मैंने एक सैमसंग का SSD लगाया था और इस लैपटॉप के साथ किंगस्टोन का जो SSD है वो भी लगा हुआ है, और तीसरा जो है ये WDC लिखा हुआ है, ये आपका वेस्टर्न डिजिटल का हार्ड डिस्क है जो मैं इसमें लगा के रखा हूँ। अभी क्या है, आपको नीचे वाला जो तीसरा ड्राइव है उसको सिलेक्ट करना है और इसको डबल क्लिक करना है। तो डबल क्लिक करने पे ये आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है आपका क्विक टेस्ट, दूसरा लिखा हुआ है आपका एक्सटेंडेड टेस्ट, और तीसरा लिखा हुआ है आपका इरेज। तो क्विक टेस्ट करने पे आपको पता चल जाएगा कि आपका हार्ड डिस्क कितना अच्छा है या कितना खराब है। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करने पे ओके करना पड़ेगा। तो ये टेस्ट चल रहा है अभी, इस टेस्ट को कम्प्लीट होने पर आपको टाइम लगेगा 5 मिनट्स। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक मैसेज आ चुका है कि क्विक टेस्ट सक्सेसफुली कम्प्लीटेड हो चुका है। तो इसका मतलब इस हार्ड डिस्क में कुछ भी एरर नहीं है। अगर इस टेस्ट के दौरान यहाँ पे कुछ एरर मैसेज आता है तो आप सोच लीजिए ये जो हार्ड डिस्क है वो आपका खराब है, लेकिन फिर भी इस हार्ड डिस्क को आप एज ए एक्सटर्नल स्टोरेज यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको क्लोज कर देते हैं। इसका अभी व्यू टेस्ट रिजल्ट में देखते हैं इसका, यहाँ पे आपका सब कुछ दिखाया ठीक है, और स्मार्ट टेस्ट जो है वो पास हो चुका है, और टेस्ट रिजल्ट भी पास दिखा रहा है, टेस्ट टाइम भी आपको शो कर रहा है। अभी मैं डाटा ट्रांसफर करके देखता हूँ इस हार्ड डिस्क में कितना स्पीड से डाटा ट्रांसफर करता है। ये मैंने कॉपी कर लिया है, पेस्ट करता हूँ। ये देखिए आपका पुराना हार्ड डिस्क बिल्कुल नया जैसा बन चुका है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।